जैसे हम हर सेमिनार में सोचते हैं कि अपना 100% देते, तो अब 100% दे दिया, रात में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन फिर अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं, उस सिचुएशन में क्या? वही तो लोग समझते नहीं है ना, मैं 100% बोलता क्या हूं। 100% है दिमाग के लेवल पे, नॉट एट द लेवल ऑफ बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी के लेवल पे मेहनत करके कुछ होता तो रिक्शे वाला आज के डेट में सबसे ज्यादा अमीर होता। एक जॉब में आप हो, वहां पर अगर आपने काम कर भी दिया तो उसकी भी अपने एक नेगेटिव साइड है, जो जितना ज्यादा करता है उससे उतना ही ज्यादा कराया भी जाता है, ये भी याद रखना। जॉब के अंदर अगर आप कहोगे ना कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, वो कहेगा चल बेटा लगा रहे 14 घंटे तक, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो उतनी सैलरी देनी है ना, समझ गए? बाकी बंदे आएंगे अपना, सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे चुपचाप चले जाएंगे। तो समझना होता है, मैं समझ की बात करता हूँ। अगर मेरे सारे सेशंस को एक वर्ड में सम अप करना हो या उसके एसेंस को देखना हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग जी, और कुछ नहीं है। आपको समझ में मेहनत करनी है। एक कॉलेज में आप घुस गए और पागलों की तरह मेहनत करे जा रहे हो, और मान लो उसमें से आप बीकॉम पास कर रहे हो और बहुत मेहनत करी आपने, सुबह से रात तक पागलों की तरह पढ़ाई करी और 98% ले आए, मतलब रिकॉर्ड बना दिया, आज तक कोई 98% लाया ही नहीं ओवरऑल एग्रीगेट, है ना, 98% ले आए। अब आप जाओगे नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि मेरे 98% आए सर, मैंने बहुत मेहनत करी है, ले 8,000 रुपए। समझ गए? पहले ये समझना है कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं करनी है, हमें यही नहीं पता है। देखो ये आई थिंक आप सबकी प्रॉब्लम होगी कि हम कुछ करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते हैं। तो वो टिकते कैसे? काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन उस काम को नहीं कर पाते हैं तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। सवाल उठता है क्यों छोड़ते हैं? पहले हमको वो समझ आना चाहिए, तब हमको समझ आएगा कि उस पर टिके कैसे रहें। आपने सोचा कि भाई मुझे अब डेली वॉक पे जाना है, लेकिन एक महीने में हुआ कि आप 4 दिन तो गए, बाकी दिन नहीं गए। समझ गए ना? डीमोटिवेट हम क्यों होते हैं पढ़ाई से? क्योंकि पढ़ाई करने में इंटरेस्ट तो है नहीं, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हम गोल बना देते हैं कि अब मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद में हम नहीं पढ़ पाए तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, हम अपने आप को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये एक अलग डायमेंशन को मैं टच कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने इसको टच किया नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, क्या होता है, हम हमेशा कमियों को देखते हैं। जैसे कभी मुंह में, अगर बचपन में आपको याद होगा, जब कोई दांत निकल जाता है तो बार बार जीभ वहां पर जाती है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपने किया ध्यान वहां नहीं जाता कि मैंने 4 घंटे का गोल सेट किया और मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, तो कभी दिमाग में ये नहीं आएगा चलो मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई करी, ये आएगा कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं करी, मैंने सोचा था 1 महीने तक एक्सरसाइज करूंगी और मैं फेल हो गई, मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करी, ऐसे ही माइंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा कोई सेशन सुना, एकदम से चार्ज्ड अप हुए और कहा कि यार कल से मेरे को जाना है एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, और आपने महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज किया, तो अब 1 महीने बाद अपने आपको ये नहीं बोलना है बैठ करके कि मैं फेल हो गई, ये बोलना है कि एटलीस्ट मैं 4 दिन तो गई, शुरू कर दिया। लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ? आपने अपना गोल सेट किया बहुत बड़ा, उसको अचीव नहीं कर पाए, हाँ जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये गलत तरीका है लाइफ को जीने का। सही तरीका क्या है कि पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, समझ गए ना, पिछले 3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सेशन देखा कुछ हुआ, मतलब कि महीने में 3-4 दिन मैं वॉक पे गई, तो अब अपने आप को ये जो 4 दिन आप गए इसको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है, चाहे अकेले में करो, चाहे अपने एक सिस्टर को ले लो, भाई बहन को ले लो, या फ्रेंड को ले लो, आ तेरे को एक पार्टी देते हैं छोटे, चाहे जाकर के पेस्ट्री खिला के ले आओ 5-5 रुपए की, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चलो जो भी है 20-30 रुपए की, तो 100 रुपए की पार्टी कर दी ना, पार्टी से क्या हुआ? अब देखो, अब माइंड के स्ट्रक्चर को समझो क्या होगा, कैसे आपके ब्रेन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है, दैट इज लिंक टू हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, या कोई भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो केमिकल रिलीज होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है, तो बार बार उस सेंसेशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे वो पिछली बार रिलीज हुआ था, ये सब अपने आप होता है, आप ये मत समझो आप करते हो। किसी इंसान से नए से मिलते हैं, माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि ऐसा लड़का मुझे चाहिए चाहिए, एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी, इधर से स्माइल, अंदर केमिकल रिलीज हुआ, उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई, है ना, और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर दोबारा मिला, फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ, अब हमारा मन कर रहा है मुझसे बार बार मिले,
फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक केमिकल कुछ कंपाउंड्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग होती है. तो वो इंसान जो आपको अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लगा. तो हम जो भी कुछ करते हैं दैट इज अ केमिकल प्रोसेस. तो अब आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया, मेरा सेशन देखा, अब इसको पकड़ लेना ध्यान से, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, बिकॉज अल्टीमेटली इसको एक्शन से लिंक करना है ना. जैसे ही आपकी नजर वहां जाएगी कि मैं फेल हुई, मैंने एक्शन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे. अपना फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपनी बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती है. आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, खुद की बुराई कर रहे हो. कोई और आपकी बुराई करे, चाहे आप खुद अपनी बुराई करो, अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, आपको बुरी फीलिंग होगी. तो अब आप क्या करोगे, अब आप अगली बार एक्शन ही नहीं लोगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि अब मैंने दोबारा एक्शन लिया और मैं दोबारा फेल हुई तो दोबारा से वो गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, दोबारा गंदी फीलिंग होगी, तो एक्शन ही मत लो. तो यू विल स्टॉप टेकिंग एक्शन. आप कुछ करना ही बंद कर दोगे, आपको पता नहीं लग रहा है ये सब चीजें अपने आप हो रहे हैं. अपने ब्रेन को आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे, क्या अच्छा मैंने क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, तब आपको समझ आएगा पूरा खेल. तो अब इसका ऑपोजिट क्या करना है, महीने में 4 दिन आप गए तो बार बार अपने आप को क्या बोलना है, मैं सक्सेसफुल हो गई, मजा आ गया, पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, पिछले 3 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, अब मैं कुछ कर रही हूं, अब मैं एक्शन में आ गई हूं, और मैं 4 दिन जा सकती हूं तो मैं 8 दिन भी जा सकती हूं, 12 दिन भी जा सकती हूं, 16 दिन भी जा सकती हूं. जैसे जैसे ये बोल रहे हो, अभी हो रही है ना अच्छी फीलिंग हो रही है, समझो अभी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है जब मैं चीज बोल रहा हूं. तो सुनने में इतना मजा आ रहा है मेरे से, तो सोचो जब आप अपने आप को ये सब चीजें बोल रहे होगे और आपकी ऐसी आदत बन जाएगी तो कितना मजा आएगा. समझ गए ना. हाँ, तो क्या बोलना है अपने आप को कि 4 दिन में गई, मजा आ गया, सेशन तो काम कर रहा है, सिर्फ सेशन ही काम नहीं कर रहा है, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था, मेरे को समझ आया है, मैं सक्सेसफुल हो गई. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन सुना और कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया. मैंने लिया और मैं 1 दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, 3 दिन नहीं गई, 4 दिन गई. ये बड़ा तगड़ा खेल होता है, मतलब छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स. जब आप अपने से अमीर किसी को देखते हो तो आप अपने आप को गरीब महसूस करते हो, जब अपने से गरीब किसी को देखते हो तो आपको लगता है मैं बहुत अमीर हूं. इस साइकोलॉजी को समझो, इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझो. तो आप क्या कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि मैं 26 दिन फेल हुई तो अपने आप को फेलियर बना रहे हो. जब आप 1 दिन को भी बड़ा कर रहे हो, आपके लिए एक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैंने इतना सा भी अगर कुछ किया, कहीं से भी इंस्पिरेशन आई, चाहे वो किसी बुक से आई, चाहे मेरे सेशन से आई, चाहे अपने किसी फ्रेंड से आई, चाहे आप खुद के अंदर से आई, आपने इतना सा भी कुछ किया, छोटा सा भी कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इतना सा भी बेटर किया, तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बोलो जिसकी कोई हद नहीं. अगर आपने सिंसियरली ये बोलना शुरू कर दिया तो केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा. अब आपको क्या चाहिए, ये फीलिंग दोबारा चाहिए. ये दोबारा फीलिंग कैसे मिलेगी, दोबारा वॉक पे जाना पड़ेगा, मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना. हाँ, अभी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो दिन में 5 घंटे के लिए और आपने 3 घंटे यूज करना शुरू कर दिया या 4 घंटे पे आ गए, तो ये नहीं बोलना है यार मैंने तो सोचा था ये सेशन देख करके मेरा मोबाइल छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा, तो ये कुछ होने वाला नहीं है. तो क्या होगा अगर आपने ऐसा बोल दिया तो 5 घंटे पढ़ के 6 घंटे हो जाएगा, क्योंकि अब आप गुस्से में मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब आप अपने से खफा हो, समझे, तो अब आप अपने से नाराज हो. तो खुंदक में आप, जैसे खुंदक में आदमी ज्यादा दारू पी जाता है, ज्यादा खाने लग जाता है, तो आप खुंदक में कहोगे सब बेकार है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं 5 घंटे 6 घंटे पर लगी रहूंगी. लेकिन यहां आप कुछ और कर रहे हो, 1 घंटे को आप बड़ा बनाओ, कितना बड़ा बना सकते हो अपने माइंड में वो आपके ऊपर है, आपकी अपनी इमेजिनेशन है. अब समझो इस 1 घंटे को जो आप 5 घंटे से 4 घंटे पे आए, अब अपने माइंड में इस अचीवमेंट को जो देखने में छोटी सी लग रही है इतना बड़ा बना दो जिसकी कोई हद नहीं है. मजा आ गया यार, मेरी तो लाइफ बदल गई, मुझे मजा आ गया. और आप जा रहे हो और जाकर के पार्टी कर रहे हो, चाहे कुछ भी अपने घर में छोटा सा मतलब कुछ अपना ग्लूकोंडी होता है या कुछ होता है वो बना के पी लिया, ना चीजें मिल जाती हैं. क्या होता है जब आप मीठा खाते हो अंदर से फिर वो केमिकल रिलीज होता है, तो मीठा और प्लस ही अचीवमेंट, इन दोनों को आपने जोड़ दिया कि अब अगर मैं दोबारा कुछ अचीव करूंगी तो दोबारा मेरे को ग्लूकोंडी मिलेगा, रिवॉर्ड सिस्टम अटैच हो गया उसके साथ में, है ना. तो अब आप तड़पोगे इस फीलिंग के लिए. अभी फीलिंग आपको कैसे मिलेगी, आपको दोबारा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी अच्छी फीलिंग मिलेगी. तो अब आप अचीवर बनने लग जाओगे, यहां से एक अचीवर बनने की शुरुआत होती है.
याद रखना, कुछ भी छोटे से छोटा काम आप अचीव करते हो तो अपनी तारीफ करो, और वो करके अपने आप को बोलोगे यस आई हैव अचीव समथिंग। क्योंकि एक चीज जो मुझे लग रही थी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ईगो अलाउ नहीं कर रही है वो काम करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया, तो अब मेरे लिए ना कुछ छोटा है काम ना कोई बड़ा है। और जिस आदमी के लिए ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मेरे लिए ना तो कोई काम बहुत बड़ा है। आप मुझसे कहोगे हाँ ये करना है हो जाएगा, हाँ करना है नहीं करना वो मेरी मर्जी है, आपके कहने से क्या होगा, दैट आई हैव टू डिसाइड। लेकिन मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम ना छोटा है ना बड़ा है। बोलो ना क्या करना है, बोलो ना किस लेवल पे क्या करना है। छोटे से छोटा काम, मेरा आज इतना बड़ा लेवल है, छोटा काम है अभी करता हूँ ना, क्या करना है बताओ। ये सफाई करनी है अभी करता हूँ बैठ करके, यहाँ पे सफाई पोछा मारना है मारता हूँ। आप लोगों को ऑड लगेगा, मुझे नहीं लगेगा समझ गए ना, ये खेल होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, तब मैं आजाद हूँ। क्योंकि मेरे में कोई डर नहीं है ना तो आप आजाद रहोगे। कभी भी आ गए ना मैं तो ये हूँ मैं ये नहीं कर सकता तो आप डर के रहोगे, आपको डर लगेगा वो काम करने से, है ना। छोटे से छोटा कुछ करो और बड़ी सेलिब्रेशन करो, छोटी अचीवमेंट्स को लिंक कर दो बड़ी सेलिब्रेशन से। जो अचीवमेंट्स हैं छोटी अचीवमेंट्स है उसको माइंड में बड़ा बना देना है, उससे आपको बड़ा मजा आएगा। तो अब आप कुछ और बड़ा अचीव करने की कोशिश करोगे, फिर आपको और मजा आएगा, फिर और मजा, फिर और मजा, फिर आपकी आदत बन जाएगी कुछ ना कुछ अचीव करते रहने की। फिर आप अगर कुछ अचीव नहीं कर रहे होगे तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, है ना, तो आदत ही ऐसी पड़ जाएगी कि नहीं यार कुछ करना है, बड़ा चैलेंज होना चाहिए, फिर आपको बड़े चैलेंजेस में मजा आएगा। अभी बड़े चैलेंजेस से डर लगता है, फिर बड़े चैलेंजेस में मजा आएगा, बड़ी एनर्जी अंदर से रिलीज होगी तो आपकी आदत ही ऐसी बनती चली जाएगी, बड़े फिर कमाल के अचीवर बनोगे आप। अब आपको समझ आ गया अचीवर बनते कैसे हैं। अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आप सारे काम सही करोगे, अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगी और आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मैं पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ। लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं अपने माइंड में, लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को। मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दो, एडवेंचर की तरह देखो। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? सोचो, क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? एडवेंचर इन इटसेल्फ मींस प्रॉब्लम। क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया, सिर्फ मेरे कहने से नहीं जेन्युइनली, तो क्या होगा, सारी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी होगी। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। ये मत समझे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अरे बहुत आएंगी, बार बार आएगी, क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, डर गए, ये क्या हो गया, क्या हुआ आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में, कम हो गई, खत्म। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ, मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है, अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ, यही तो मजा है। बिजनेस करोगे हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का तो नहीं। दूसरा क्या है, इसको एडवेंचर बना दो, है ना, कोई प्रॉब्लम आई सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, वो कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है।
जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है? क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो।